हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। 1922 के ऊपर बंद रहा, कब से, जब ये यहाँ पर था तब से मैंने बात की थी कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, कई लोगों को तब फ़ायदा भी हुआ। कई बार मैंने बोला कि देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो ये देखिए, एक स्ट्रेटजी जो है मुझे अच्छी लगती है कि थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। लॉन्ग टर्म जो निवेशक है वो अगर चाहे तो इसके अंदर बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचने की बात करें तो ये जो वॉलेटिलिटी इस तरीके की होती है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 10 शेयर है तो इसके अंदर 2 से 3 शेयर अगर खरीदे या बेचे, उसके बाद जो है ऊपर या नीचे जाता है 100-200 रुपये, तो वापस से खरीद या बेच सकते हैं। मतलब कि तो वो एक शॉर्ट टर्म भी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से जो है छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो भी पोजिशनल ट्रेड की अगर बात करें, इंट्राडे की नहीं, मतलब कि हफ्ते 15 दिन की अगर बात करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर पूरे शेयर्स नहीं, अगर किसी के पास 10 शेयर है इसके अंदर सिर्फ 2 शेयर अगर बेच दिए और अगर यहाँ पर अगर वापस से खरीदे हो, मतलब कि तो उसको मतलब कि एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, भले ही छोटा सा ही प्रॉफिट सही, लेकिन अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। और कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे। सो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, डेली जब हम नज़र रहता है जो है रखते हैं स्टॉक के ऊपर, जो इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और कहाँ पर शेयर जो है सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रजिस्टर्ड, उसका एक आइडिया भी मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब 1922 का प्राइस है, आज भी 2% के आसपास की गिरावट रही। अब यहाँ पर प्राइस कहाँ पर जा सकता है वो हम देखेंगे। पिछली बार यहाँ पर इसने एक लो बनाया था 1850 रुपये के आसपास, अभी इसके अंदर जो है एक हायर लो की सिचुएशन बनी हुई है वो हम देखेंगे। पहले तो हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, सवेरे ही जो है यहाँ पर खुला, उसके बाद गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, एक जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये जो है स्ट्रगलिंग चल रही है। कल जो है 2020 के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस किया था, आज इस 1960 के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस किया, फिर से नीचे आया और यहाँ पर एटलीस्ट इसने क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 5 और 9 वीक का जो ये मूविंग एवरेज है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो ये तेज़ी थी, तब ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ था, नीचे आ रहा था लेकिन उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर चला जा रहा था। लेकिन जब ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही इसको तोड़ा उसके बाद ये अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है और ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा चल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छी खासी तेज़ी आई, ऑलमोस्ट 500 रुपये से भी नीचे था, उस लेवल के आसपास था, यहाँ से लेकर ये 3000 के आसपास गया, तो इतनी ज़्यादा तेज़ी आई वो भी इतने छोटे समय में, तो थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर कंसोलिडेशन होना भी लाजमी है। अब इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आई थिंक बाजार की नज़र जो है रह सकती है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कल इसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, साथ साथ पूरे हफ्ते की भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखें तो पिछली बार जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिछली बार यहाँ पर एक बार लो बनाया था, उसके बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर पिछले हफ्ते यहाँ पर लो बनाया था। थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आखिरी लो था और उसके बाद आज के दिन ये लो बनाया। तो जैसे कि ये लो कितना था, तो यहाँ पर था तकरीबन 1750 रुपये के आसपास का, ये भी वीकली चार्ट है, उसके बाद ये 1850 रुपये के आसपास का लो बनाया, फिर बाउंस बैक आया था। तो क्या ये लो बरकरार रखता है या नहीं वो देखना बनता है, अदरवाइज़ जो है और नीचे की संभावना हो सकती है, लेकिन गिरावट में अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 रुपये से नीचे जाने की संभावना कम हो जो है यहाँ पर दिख रही है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, 25-50 रुपये ऊपर नीचे आप रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी रहती है इंट्राडे की भी बात करें तो। 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1824 है, इसके नीचे भी ये अब तक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तेज़ी आई थी तब इसके नीचे तो ये गया नहीं, पिछली बार यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है उस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, अभी ये 100 रुपये दूर है, तो पहला सपोर्ट एरिया इसका ये बन सकता है, क्योंकि 1950 जो है आज इसने तोड़ दिया। कल ही हमने बात की थी वहाँ पर क्या था, 1950 के ऊपर बुलिंजर बैंक की मिडल लाइन थी, हालांकि अभी भी जो है ये 1900 रुपये के आसपास जो है आज इसने सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे से एक सोमवार को अगर देखें तो एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अब की बार क्योंकि ये लेवल अब टूटा है बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन, तो इस लेवल को पार करना ज़रूरी है, ये अब जो है रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, और साथ साथ ये वीकली चार्ट है, तो अगले हफ्ते ये तीनों ही लाइन जो है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ये मिडिल लाइन थोड़ी सी ऊपर जा सकती है 1960-70 के आसपास, तो वो लेवल इसका अब पहले रजिस्ट्रेशन बन सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो। और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो है इसकी निचली लाइन जो है बुलिंजर बैंक की 1840 है, तो 1800 से 1850 ये एक जो है इसका पहला सपोर्ट बन सकता है अगर इसने 1900 को भी तोड़ा तो, और इसकी जो मिडिल लाइन है अभी 2000 के आसपास है, तो वो अगर ये मतलब कि लेवल पार होता है 1960-70 का, तो ये 2020 के आसपास जो है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये
दोनों रजिस्ट्रेशन की बात कर ली हमने, और यहाँ पर जो है वीकनेस क्यों यहाँ पर दिख रही थी, 3-4 हफ्ते पहले ही मैंने बोला था जब ये वीकली चार्ट के ऊपर MACD जो है इसको इस यहाँ पर जो है इसका बेरिश क्रॉसओवर हुआ था तभी इसके अंदर वीकनेस दिख रही थी और ये वीकनेस हुई भी। अब यहाँ पर जैसे कि ये एक तो 21 वीक का मूविंग एवरेज सपोर्ट हो सकता है, उससे पहले 1900 का, लेकिन सपोर्ट एरिया जो है सपोर्ट जोन वो जो है वो अभी भी नियर लग रहा है, नज़दीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका RSI जो है वो अभी 41 के आसपास है, तो अगर ये 30 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। तो अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पर खरीदने की जो है मतलब कि इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, खरीदना है तो खरीद सकते हैं वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर हम लेवल्स जो है कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर देखें जो सपोर्ट अभी दिख रहे हैं मुझे, तो अभी तो 1922 के आसपास का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट की अगर बात करें, पहले तो हम रेंज की बात करें सोमवार की, तो नीचे में जो है 1880 और ऊपर में तकरीबन जो है 1970 रुपये के आसपास का, ये एक जो है एक रेंज दिख रही है ऊपर और नीचे की। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया इसका 1900 रुपये से लेकर ये 1880 का जोन एक दिख रहा है, उसके बाद देखें तो तकरीबन 1830 के आसपास का जोन और उसके नीचे जो है 1750 का जोन। तो ये अभी इसके जो है सपोर्ट दिख रहे हैं, और इसका मेजर सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो जो है 1650 रुपये के आसपास का जोन। अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है या फिर कुछ भी ऐसी रीज़न से अगर गिरावट आती है तो यहाँ तक आने की संभावना इसकी रह सकती है, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है। जैसे कि हमने RSI देखा, अगर इस लेवल के आसपास आता है 1650 या 1750 के आसपास, तो इसका RSI जो है वो 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। अब अगर इस लेवल के आसपास से अगर बाउंस बैक आता है तो पहला अगर जो है जैसे कि हमने बात की 1960 जो है वो इसका एक रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है, उसके बाद जो है 2020 का आसपास का जोन, तो ये इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। अगर ये लेवल पार होते हैं तब ये 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और इसका मेजर रजिस्ट्रेशन एरिया क्या दिख रहा है तो वो है 2500 रुपये के आसपास का जोन, जो कि पिछली बार इसने रजिस्ट्रेशन लिया था उस लेवल के आसपास। सपोर्ट अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो वो जो है 1650 का दिख रहा है, और बड़े रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी ये 2500 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये बीच में खड़ा है मेक और ब्रेक लेवल के आसपास। सो कल इसके ऊपर जो है वापस से फंडामेंटली चर्चा करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, और इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और 5 और 9 डेज और 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ये टिकने लगे, वहाँ पर क्लोजिंग दे, वहाँ पर टिके, तब स्ट्रेंथ जो है वापस आ सकती है। तब तक इसके अंदर या तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन अभी भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी भी थोड़ी सी जो है नीचे जाने की संभावना तो हो सकती है, लेकिन सोमवार की अगर बात करें तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये 1880 से ये 1900 जो कि आज का इसने लो बनाया, यहाँ से एक जो है बाउंस बैक देने की संभावना हो सकती है, और बाउंस बैक की अगर बात करें तो 1960 से 1970 तक जाने की संभावना हो सकती है। उस लेवल को पार करता है या नहीं वो देखना बनता है। सो कल वापस से हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आप इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।